दोस्तों बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ छोटी सास जो चचिया सास थी उनका निधन हो गया है और हमारे यहाँ शोक का माहौल छाया हुआ है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उनकी काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब थी। उनको पैरालिसिस हो गया था, यानी कि फालिस का शिकायत था, तो काफ़ी दिनों से बीमार थी। और अभी 6 महीने पहले ही ससुर जो थे, चचिया ससुर यानी कि सास के जो हस्बैंड थे, वो भी एक्सपायर कर गए थे। उनका भी मतलब निधन हो गया था और यही कारण था, फालिस का ही शिकायत उनको भी था। तो अभी पता नहीं क्या कारण है कि एक ही बीमारी से दोनों लोग मरे हैं। और फिर जो भी कार्यक्रम है हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे कि शोक का जो भी काम रहता है वो हम लोग करते हैं। और अभी कल दाह संस्कार करके सभी लोग आए हैं और उसके बाद से हम लोग भी मतलब नहाए आए हैं। नहाने के बाद से फिर 2 दिन तक उपवास रहा है, क्योंकि कल सुबह 6:30 यानी 6:30 बजे उनका निधन हुआ। और उसके बाद से हम लोग के यहाँ जब तक, दोस्तों बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ छोटी सास जो चचिया सास थी उनका निधन हो गया है और हमारे यहाँ शोक का माहौल छाया हुआ है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उनकी काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब थी। उनको पैरालिसिस हो गया था, यानी कि फालिस का शिकायत था, तो काफ़ी दिनों से बीमार थी। और अभी 6 महीने पहले ही ससुर जो थे, चचिया ससुर यानी कि सास के जो हस्बैंड थे, वो भी एक्सपायर कर गए थे। उनका भी मतलब निधन हो गया था और यही कारण था, फालिस का ही शिकायत उनको भी था। तो अभी पता नहीं क्या कारण है कि एक ही बीमारी से दोनों लोग मरे हैं। और फिर जो भी कार्यक्रम है हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे कि शोक का जो भी काम रहता है वो हम लोग करते हैं। और अभी कल दाह संस्कार करके सभी लोग आए हैं और उसके बाद से हम लोग भी मतलब नहाए आए हैं। नहाने के बाद से फिर 2 दिन तक उपवास रहा है, क्योंकि कल सुबह 6:30 यानी 6:30 बजे उनका निधन हुआ। और उसके बाद से हम लोग के यहाँ जब तक उनका जैसे कि घंट होता है, एक घड़ा होता है पीपल के पेड़ में, बहुत सारे लोग के यहाँ होता होगा, शायद आप लोग के यहाँ भी होता होगा। अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, नियम होते हैं हर चीज़ के, तो यहाँ पे घंट बंध जाता है, उसके बाद से ही लोग अपने घर में चूल्हा जलाते हैं। तो अभी तक ये 2रा दिन है, अभी तक चूल्हा नहीं जला है हम लोग के घर। और फल फूल जो होता है, फ्रूट्स होते हैं, वही खा के सब लोग हैं। तो अभी जो देवर हैं यानी कि छोटी ससुर माँ के बेटे हैं, वो जा रहे हैं जहाँ पे दाह संस्कार हुआ था वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ पर वो नहाएंगे। और जहाँ पे दाह संस्कार किया गया, राख विसर्जित करके तुलसी जी का पौधा लगा के फिर घर वापस आएंगे। तब तक हम लोगों को भी नहा वहाँ के एकदम फ्रेश हो जाना रहता है। जब वो नहा लेंगे तभी हम लोग को नहाना रहता है। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े धुलने के, और मैं आ गई हूँ किचन में। इसको पहले मैं सर्फ में भिगा देती हूँ, क्योंकि आज तो सर्फ साबुन सब लगाना है, उसके बाद से नहीं लगाना रहेगा। तो यहाँ देखिए आम रखा हुआ है, इसको नहाने के बाद ही जरूर खाएंगे। पहले धुल लेती हूँ, क्योंकि अभी लोग आ जाएंगे दाह संस्कार के बाद, तो उसके बाद से कपड़े नहीं धुलना रहेगा और ना ही साबुन लगाना रहेगा। जो भी कपड़ा अभी धुल लेंगे, कपड़े धुलने जा रहे हैं। ये तरबूज खाया गया, ले जाएगा। तो यहाँ पे सब कूड़े वाला रख दिया जाता है, तो आते हैं ले जाते हैं। कपड़े पहले धुल लेती हूँ और ना सब आ भी आएंगे सर, भूखा है। तो अभी कचरे वाला आया था और उसका पूरा जो रिक्शा था भर गया था, इसलिए वो दोबारा फिर आएगा, कूड़ा ले जाएगा। तब तक देखिए मैं आ गई हूँ अपने इस घर पे। तो घर के बाहर ही नहाना रहता है, तो हम लोग वहाँ पे, क्योंकि जगह नहीं है कहीं, तो वहाँ जो नल है वहाँ पे हम लोग नहाएंगे 10 दिन तक, वहीं सब लोग नहाएंगे। तो अभी कुछ भी करना नहीं रहता है ना, 10 दिन तक हम लोग
साबुन तेल कुछ नहीं लगाएंगे, और उसके बाद से ना ही छौंका बघारा जाता है, और मसाले वसाले तो पड़ सकते हैं लेकिन तेल नहीं पड़ते हैं, तो तेल वेल नहीं खाना रहता है इसमें, छौंक नहीं लगानी रहती है, सब्जी में दाल और हल्दी भी नहीं खाना रहता है इसमें गम के माहौल में, तो बहुत ज़्यादा इसमें बराव होता है हम लोग के यहाँ। तो इस बराव को करते हुए हम लोग इन नियमों का पालन करते हैं ताकि मृत की आत्मा को शांति मिले, और उनके आत्मा को शांति दिलाने के लिए पूजा भी होते हैं और दान दिया जाता है। तो इसी के तरह ऐसे आगे आप लोग को वीडियो में जो भी होगा मैं आपको कंटिन्यू दिखाऊंगी, और बहुत कुछ ऐसा है जो मैं नहीं दिखा सकती वीडियो में क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आता है या स्ट्राइक आ जाता है या चैनल डीमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब जो यूट्यूब का कम्युनिटी को गाइडलाइंस का जो नियम है उसका उल्लंघन नहीं करना रहता है। तो जो मृत लोग होते हैं उनके शरीर जो मृत शरीर है उसको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हमारे यूट्यूब फैमिली के एक मेंबर हैं भैया, उन्होंने दिखाया था तो उनका चैनल डीमोटिवेट हो गया है। तो बहुत मुझे अभी सोच समझ के वीडियो अपलोड करना है क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो इसके लिए थोड़ा डर डर के मैं वीडियो भी बना रही हूँ। अभी आगे कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो दिखाती रहूँगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के उधर कैसा नियम होता है शोक में। शोक के समय में देखिए चेहरा भी पूरा उदास उदास लगता है, और सुबह का ये सुबह सुबह ठंडी ठंडी ताज़ी हवा का लुफ्त ले रहे हैं बाबू जी। फिलहाल मैं अब चल रही हूँ, कपड़े पूरे धुल ले रही हूँ क्योंकि टाइम हो जा रहा है, लोग आ भी जाएंगे। और इतनी काफ़ी गर्मी है कि पूछिए मत। तो देखिए आ गई हूँ मचिया लेकर, मचिया के बिना तो मैं कपड़े भी नहीं धुल सकती हूँ क्योंकि बिना मचिया के मैं बैठ नहीं पाती हूँ। और यहाँ देखिए मैं कपड़े भिगा दी थी उसको अब आराम, और देख सकते हैं सारे कपड़ों को आज ही धुलना है क्योंकि इसके बाद से सर्फ साबुन मैं नहीं छूँगी, सभी लोग नहीं छूएंगे जो भी लोग हैं गर्मी के में भाग लिए हैं, जो पट्टीदारी है हमारी तो वहाँ कोई सर्फ साबुन नहीं छूएगा। तो देख सकते हैं मैं सारे कपड़े धुल ली हूँ, उसको अब खंगाल ले रही हूँ। खंगालने के बाद से बेसमेंट में ही इसको मैं फैला दूँगी क्योंकि गर्मी का मौसम है तो आजकल तो कपड़े छांव में भी सूख जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कपड़े धुलने के बाद से देखिए सभी देवरानी जेठानी और सासू माँ लोग आ गई हैं, तो एक सासू माँ तो ख़त्म ही हो गई हैं, बाकी तीन लोग तो सासू माँ गई हैं हैदराबाद तो वो नहीं हैं। तो देख सकते हैं हम लोग नहाने के बाद से आ गए हैं छोटी सासू माँ के घर। तो यहाँ पे जो भी रस्म होता है वो करना है, जो पूर्वजों के बनाए हुए जो नियम है उसका पालन करना रहता है। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग लाइन से बैठ रहे हैं, एक कतार में बैठने के बाद से इन लोगों को देखिए गुड़ और काली मिर्च दिया जा रहा है बारी बारी से सबको। तो देख सकते हैं और गुड़ और काली मिर्च खाने के बाद से पानी पीते हैं और सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं, खाना वाना बनाते हैं। फिलहाल अभी दो दिन तक हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जला है, अभी तक शाम को फिर चूल्हा जलेगा, दो दिन हो गए हैं। तो दोस्तों अभी तो सभी लोग अपने घर चली गई हैं, और जो भी मतलब रस्म होता है गर्मी वाला वो मैंने आपको लोगों को दिखा दिया है, और मेरी बिंदी देखिए गिर गई है तो आज मैं दूसरी बिंदी चेंज करूँगी जो कि न्यू नहीं है, मतलब पुरानी बिंदी ही मैं चेंज करूँगी और निकल गया क्योंकि 9-10 दिन तक वही बिंदी रखना रहता है, कुछ भी नया नहीं पहनना रहता है, कपड़े चाहे कोई भी जेवर वगैरह नए नहीं हम लोग यूज कर सकते हैं, पुराना ही यूज कर सकते हैं। चल रही हूँ बिंदी पहले की है पुरानी उसको मैं लगा लूँगी,
और 10 दिन में जो भी कार्यक्रम होगा, अभी ब्रह्मभोज का भी कार्यक्रम होगा, तो सब दिखाऊंगी, कई पार्ट में दिखाऊंगी। और यहाँ देखिए भुना हुआ मूँगफली का दाना है और काला चाय मैं पी लूँगी, और फल तो खाने का मन ही नहीं कर रहा था तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। और देखिए यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत, भीषण गर्मी पड़ रही है। किस तरह से ये दिन बीतेगा, पहाड़ हुआ है। और फिर देखिए शाम हो गया और मैं अभी चल रही हूँ उस घर पे, क्योंकि वहाँ पे खाना बन रहा है, शाम को खाना बनेगा, सब लोग जल्दी से खा लेंगे, उसके बाद से घंट बंधाएगा। 2 दिन का उपवास था, 2 दिन तक किसी ने कुछ नहीं खाया, बस फल ही खा के रहें, अनाज का एक दाना भी किसी ने नहीं खाया है। तो देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ और देवरानी हैं जो इनकी सासू माँ का निधन हुआ है, तो ये बैठी हैं, और बाकी सभी यहाँ पे गांव के पटीदारी में की जो जेठानी हैं वो है यहाँ। दाल देखिए पक रहा है बिना हल्दी के। तो दोस्तों समझ सकते हैं, 2 दिन अन्न ना खाए तो क्या हालत होती है। इतना बड़ा दिन हो रहा है तो बहुत ही सवेरे बनना शुरू हो गया है, क्योंकि तो अभी हमारे यहाँ देखिए चूल्हे पर ही बॉयल हो रहा है आलू, और टमाटर को देखो तवे पे भुना गया है, बैंगन को भी आग में भुना जा रहा है। तो यहाँ पे जो आलू बैंगन और टमाटर का भरता होता चोखा होता है वो बन रहा है। तो यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा गर्म है, और एक तरफ से धूप इतनी ज़्यादा है कि एक तो आग की गर्मी, ऊपर से धूप की गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी ही गर्मी। देखिए चोखा बनाने की तैयारी हो रही है, और इसके लिए तैयारी कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोगों की बहुत ही लंबी पटीदारी है, तो देखिए ज्यों ही खाना तैयार हुआ सभी लोगों को बैठा दिया गया है। तो पहले जेंट्स लोग खा लेंगे, उसके बाद से महिलाएं बैठेंगी इसी तरह से पंक्ति में, और इसी जगह पे सारी महिलाएं भी बैठेंगी पटीदारी की। इसमें अन्य कोई बाहरी नहीं खाता है। जेंट्स लोगों की पंक्ति खा चुकी, फिर महिलाएं बैठ गई हैं पटीदारी की। तो देखिए सभी लोग जो बच्चे हैं वो भी खाना निकाल रहे हैं, खिला रहे हैं। और यहाँ देखिए तो खाना देखिए आप लोग देख सकते हैं क्या क्या बना है। और फिर देखिए महिलाएं यहाँ पे बैठ गई हैं, पत्ता लग गया है। जेंट्स लोगों के खाने के बाद से देखिए सभी महिलाएं जो हैं पटीदारी की हैं और घर में की हैं, तो सब लोग खाने बैठ गए हैं। और इसमें बाहरी किसी को नहीं खाना रहता है, मतलब कोई खाता भी नहीं है ये गम वाला खाना, केवल हम लोग अपना जो भाई पटदार रहते हैं, अपने रहते हैं सगे, वही लोग खाते हैं। घर खानदान के जो रहते हैं, खानदान के अपने लोग वो खाते हैं। तो यहाँ पे सभी महिलाओं को पत्तल मिल चुका है, और उतना ही खाना लेना रहता है कि दोबारा हम लोगों को दोहराना नहीं रहता है। एक बार में जितना खाना ले लीजिए कि दोबारा नहीं खाना रहता है, एक बार में ही खाना रहता है। तो यहाँ पे देखिए चावल दे रही हैं सासू माँ जो जिनका निधन हो गया, उनकी बड़ी लड़की हैं। तो खाने में देखिए चावल है, दाल है, तो बहुत उदास खाना ये होता है। तो यहाँ देखिए सलाद मिल गया है, चोखा भी मिल गया है, तो ये खाना बहुत ही उदास होता है। और ये पल भी, ये गम का जो माहौल होता है ना, पल होता है बहुत मुश्किल से बीतता है, जैसे लगता है कि पूरा दिन पहाड़ हो गया है। और ये देखिए सुबह का मॉर्निंग रूटीन है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी।